everyone. Welcome class 12 to today's video lecture. Class, today we will proceed with the topic of distribution of employment by region. In the last class, we covered distribution of employment by gender, and now we will proceed with distribution of employment by region. Class, before proceeding with the data analysis, let's understand what does distribution of employment by region tells us. क्योंकि आपको ये भी आ सकता है class कि distribution of employed worker by region हम क्यों study करते हैं, क्या जरूरत है हमें ये देखने की कि urban और rural areas में workers की employment distribution कैसे है, हमें क्यों पढ़ना है ये. तो class, one mark point of view से आपको पता होना चाहिए कि distribution of employment by region help us to know the quality of employment and the attachment of workers to their job. फिर से सुन लो क्लास, दो चीजें हैं. It tells us about the quality of employment and the attachment of workers to their job. तो क्लास, आपको हर एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल आपको क्लास पता होनी चाहिए ताकि आप फुल मार्क्स की तरफ स्कोर करो. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन हेल्प अस टू नो द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी क्या है, एंड अटैचमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर जॉब, वर्कर्स की उनके जॉब के लिए कितनी अटैचमेंट है. ओके, नाउ क्लास, लेट्स प्रोसीड विद डेटा एनालिसिस. तो क्लास, सबसे पहले अगर आपको बार ग्राफ दिख रहा है जो मैंने शॉर्ट में बनाया है ताकि हम जल्दी से जल्दी डिस्कस कर पाए, इसमें क्लास आपको सबसे मेजर पोर्शन सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड में से अभी भी, जैसे हमने बाय जेंडर में देखा था, अभी भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन अर्बन एरियाज एज वेल एज रूरल एरिया. सबसे पहला पॉइंट ही क्लास यही है कि मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. सो हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस ही किसके बारे में करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तो वी कैन क्लियरली सी अर्बन एरियाज में भी मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंड रूरल एरियाज में भी मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. बट क्लास, यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का रेट है वो अर्बन एरियाज से ज्यादा है. इसका रीजन ये है क्लास, क्योंकि इन रूरल एरियाज जो मेजॉरिटी ऑफ रूरल पीपल है दे आर एंगेज्ड इन फार्मिंग एक्टिविटीज, वो भी अपनी ही प्लॉट ऑफ लैंड पे. तो क्योंकि रूरल मेजॉरिटी ऑफ रूरल पीपल अपनी ही लैंड पे फार्मिंग करते हैं तो इट कम्स अंडर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. इसी वजह से यहाँ 56% है रेट, यहाँ 43% है. तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि वाई मोर रूरल पीपल आर एंगेज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज एज कम्पेयर टू अर्बन पीपल. तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ रूरल पॉपुलेशन या मेजॉरिटी ऑफ रूरल पीपल आर एंगेज इन फार्मिंग एक्टिविटीज ऑन देयर ओन प्लॉट ऑफ लैंड. जब अपने ही प्लॉट पर एक्टिव फार्मिंग करेंगे तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ जाता है. इस वजह से यहाँ रेट ज्यादा हो जाता है, 56%. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कैजुअल वर्कर्स. अब कैजुअल वर्कर्स को डिस्कस करते हैं क्लास. तो यहाँ पे आपको एक मेजर डिफरेंस दिख रहा है कि अर्बन एरियाज में कैजुअल वर्कर्स की जो प्रोपोर्शन है वो सिर्फ 15% है, बहुत ही कम है. जबकि रूरल एरियाज में कैजुअल वर्कर्स की जो प्रोपोर्शन है वो बहुत कम नहीं है, वो 35% है. ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है क्लास कि रूरल एरियाज में सेकेंड मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है, कैजुअल वर्कर्स. जबकि अर्बन एरियाज में सेकेंड मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड रेगुलर सैलरीड जॉब्स है. आपको ये बात समझ आ रही है क्लास? तो इस पे ध्यान दो क्लास कि मेन थिंग आपको ये समझनी कि रूरल एरियाज में सेकेंड मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है कैजुअल वर्कर्स, वेयर एज इन अर्बन एरियाज इट इज ओनली 15%, बहुत कम है. ये दिख रहा है क्लास आपको? नाउ थर्ड, लेट्स डिस्कस अबाउट रेगुलर सैलरीड जॉब्स. या हम कह सकते हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर सैलरीड वर्कर्स. अगर हम इनको डिस्कस करें क्लास, अब ध्यान से देखो तो आप देख सकते हो कि अर्बन एरियाज में दे आर दी सेकेंड मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, 42%. तो अर्बन एरियाज में सेकेंड मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है, रेगुलर सैलरीड जॉब. जबकि आप देखो रूरल एरियाज में कितना कम नंबर है, ओनली 9%.
ऐसा क्यों क्लास? इसका मेजर रीजन वही है जो भी हमने पहले डिस्कस करा था बाय जेंडर वाले डिस्ट्रीब्यूशन में, कि रेगुलर सैलरी जॉब से होती है, दे रिक्वायर हायर लेवल ऑफ लिटरेसी, हायर लेवल ऑफ स्किल्स, हायर लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, एंड अर्बन पीपल को ये मिलती है. हम लोग परस्यू करते हैं, प्रॉपर एजुकेशन करते हैं, बट इन रूरल एरियाज पीपल दे डू नॉट गिव मच इम्पॉर्टेंस टू एजुकेशन लिटरेसी, इसलिए उनकी वहाँ क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं होती, इसलिए वो लोग रेगुलर सैलरी जॉब्स में नहीं एंटर कर पाते. आपको बात समझ आ रही है क्लास? तो इसको पहले ओरली सुनो ध्यान से जो मैं कह रही हूँ, कि अर्बन एरियाज में 42%, रूरल में 9%. इतना वास्ट डिफरेंस इसीलिए है बिकॉज इन अर्बन एरियाज पीपल एक्वायर प्रॉपर क्वालिफिकेशन, दे परस्यू हायर क्वालिफिकेशन, ठीक है, बट इन रूरल पीपल द पीपल दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग और परस्यूइंग हायर लेवल ऑफ एजुकेशन. दे डू नॉट हैव हाई लेवल ऑफ स्किल, हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू टेक अप जॉब्स एज अ रेगुलर सैलरीड वर्कर्स. यस क्लास, इन अर्बन एरियाज रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज इज द सेकेंड मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. उसका रीजन बिकॉज they pursue higher level of qualification, they have higher level of skills, and secondly urban areas enterprises बहुत सारे होते हैं, there are a lot of job opportunities. Rural areas में it is only 9% because people in rural areas do not have much skills, much qualification, and the second reason is that there are not lots of opportunities. Is that clear? So class, now we have discussed distribution of employment by region. I hope आपको clear हो गया होगा कि सबसे ज़्यादा major source दोनों areas में self-employment है, जबकि casual workers second major source है rural areas में, and regular salaried jobs second major source है urban areas में. हम ये discuss कर चुके हैं कि urban areas में क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ opportunities ज़्यादा हैं, एंड अर्बन एरियाज में पीपल एक्वायर हायर लेवल ऑफ स्किल्स, जो कि रूरल एरियाज में दोनों ही नहीं होती, ना अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं और ना ही लोग इतनी हायर लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन अटेन करते हैं. तो अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया क्लास. जैसे ही आप ये लेक्चर अटेंड करके एक बार बुक रीड करोगे, आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाएगा. बस ये मत भूल जाना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन हमें क्या बताती है. हमें दो चीज़ें बताती है, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अटैचमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर जॉब्स. ठीक है, अब हाफ मार्क्स का भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा है जो हमने इसमें छोड़ा हो. मतलब इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू विल बी इजीली एबल टू अटेम्प्ट इट. इज दैट क्लियर? तो क्लास, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स.